हेलो स्टूडेंट्स, आई हरीश वेलकम यू ऑल। आज हम जानेंगे इंग्लिश में फ्रेज क्या होता है। जैसा कि मेरे पीछे लिखा हुआ आप देख रहे हैं, फ्रेज की ये पूरी डिटेल है, तो इसी पर बात होगी। फ्रेज जिसको हिंदी में कहते हैं वाक्यांश, यानी पूरा सेंटेंस ना होकर सेंटेंस का कुछ हिस्सा, वाक्य का कुछ अंश, इसीलिए हम इसको कहते हैं हिंदी में वाक्यांश। तो फ्रेज जिसका हिंदी में अर्थ है वाक्यांश, और इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा जान लेते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन विच देयर इज नो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, शब्दों का वो समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हमें देखने को नहीं मिलता है, उसे हम कहते हैं फ्रेज। इट हैज मीनिंग बट नॉट कंप्लीट, इसका अर्थ तो निकलता है, इसका अर्थ समझ में आता है लेकिन पूरी तरह से नहीं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन द गार्डन, बाग में, लेकिन कंप्लीट समझ नहीं आ रहा, अर्थ तो इसका आ रहा है इन द गार्डन बाग में, लेकिन बाग में क्या। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं शी इज, अब ये कंप्लीट हो गया, शी इज इन द गार्डन, वह बाग में है। शी इज इन द गार्डन, वह बाग में है। शी क्या है, शी एक प्रोनाउन है और यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आते ही ये कंप्लीट हो गया, शी इज इन द गार्डन। अब इसकी कंप्लीट मीनिंग समझ में आने लगी, शी इज इन द गार्डन, वह बाग में है। अगला एग्जाम्पल है ऑन द फ्लोर, फर्श पर, फर्श पर क्या, फर्श पर इतना तो समझ में आ गया लेकिन कंप्लीट समझ नहीं आ रहा कि फर्श पर क्या। तो बॉल इज ऑन द फ्लोर, बॉल इज ऑन द फ्लोर, गेंद फर्श पर है, गेंद फर्श पर है। बॉल क्या है, बॉल एक नाउन है, इज क्या है, वर्ब है, और बॉल यहां पर एक सब्जेक्ट का काम कर रही है। सब्जेक्ट और वर्ब आते ही इसकी मीनिंग कंप्लीट हो गई और पूरा अर्थ हमें समझ में आने लगा, बॉल इज ऑन द फ्लोर, गेंद फर्श पर है। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेजेस को। फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। पहला है नाउन फ्रेज। नाउन क्या काम करती है, नाउन किसी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होती है या ऑब्जेक्ट होती है। तो यहां पर क्या है, एन ओल्ड मैन, इसके नीचे लाइन खींचिए, इसका मतलब ये फ्रेज है। एन ओल्ड मैन फ्रेज होने के लिए क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहां पर एक दो तीन वर्ड्स का ये ग्रुप बना है और इसको हमने यूज किया है एक सब्जेक्ट की तरह, और मैन क्या है, मैन एक नाउन है, इसलिए एक नाउन फ्रेज है। एन ओल्ड मैन इज इन द रूम, एक बूढ़ा आदमी कमरे में है। अगर यहां पर लिखा होता मैन इज इन द रूम तो फिर ये फ्रेज नहीं कहलाता, फिर ये एक सब्जेक्ट कहलाता और मैन एक नाउन था। लेकिन यहां पर एन ओल्ड मैन इसी को ग्रुप में लिख दिया, इस सब्जेक्ट को हमने तीन वर्ड्स में लिख दिया, इसलिए बन गया फ्रेज और ये यहां पर कहला रहा है नाउन फ्रेज। दूसरा फ्रेज है वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज का मतलब क्या है, वर्ब क्या होता है, वर्ब क्रिया होती है। तो क्रिया, अगर किसी एक्शन को, किसी सेंटेंस की क्रिया को हम एक से ज्यादा वर्ड में लिखते हैं तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाएगा उस सेंटेंस की वर्ब को बताने के लिए, तो वो कहलाता है वर्ब फ्रेज। एग्जाम्पल है आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा। तो विल क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, बी क्या है, वर्ब है, प्लेइंग क्या है, वर्ब है, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो ये तीनों वर्ब का जो ग्रुप है इसको हम यहां पर कह रहे हैं वर्ब फ्रेज, विल बी प्लेइंग। अगर मैं कहता आई प्ले क्रिकेट तो फिर खाली वर्ब होती प्ले, तो फिर वो फ्रेज नहीं कहलाता, वो खाली वर्ब कहलाती, लेकिन यहां पर ये वर्ब फ्रेज बन गया। तीसरा है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव क्या काम करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है, यानी उसकी क्वालिटी बताता है। तो यहां पर भी यही हो रहा है, आई हैव अ ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट फ्रेंड। अब यहां पर अंडरलाइन किया हुआ है ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट को, इसका मतलब क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये कौन से वर्ड्स है, एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल, हम किसी को गुण बताने के लिए, किसी की सुंदरता को बताने के लिए ब्यूटीफुल का इस्तेमाल करते हैं। इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, किसी की बुद्धिमानी बताने के लिए हम इंटेलिजेंट का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ एडजेक्टिव्स प्रयोग किया गया है, तो इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। आई हैव अ ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट फ्रेंड, मेरा दोस्त सुंदर और बुद्धिमान है। ब्यूटीफुल है तो ये जाहिर सी बात है किसी फीमेल की बात हो रही होगी।
आई हैव अ ब्यूटिफुल इंटेलिजेंट फ्रेंड, मेरी दोस्त सुंदर और बुद्धिमान है। चौथा है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब डिफाइन करता है, क्वालिटी बताता है किसी वर्ब की, यानी किसी क्रिया के क्वालिटी को बताता है, किसी एडजेक्टिव की क्वालिटी को बताता है, या एक दूसरे एडवर्ब की क्वालिटी बताता है। तो इसका एग्जांपल है यहां पर एडवर्ब फ्रेज में ही प्लेड वेरी वेल। ही प्लेड वेरी वेल, अंडरलाइन किया है वेरी वेल को, इसका मतलब एडवर्ब फ्रेज ये है वेरी और वेल, इनका सीधा कोई कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा। वेरी वेल यानी बहुत अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा क्या, यहां खेल को डिफाइन कर रहा है। ही प्लेड वेरी वेल, प्लेड वो बहुत अच्छा खेला। तो प्लेड क्या है? प्लेड एक वर्ब है, और वर्ब को जब जो वर्ड डिफाइन कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब। और ये ग्रुप में है, दो वर्ड्स हैं, तो यहां पर वेरी वेल एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहे हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल की सारी वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ।